शांति। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2020। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 29/3/86 मधुवन। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे, तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रसम व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है, तो एक स्नेह में आने की विशेषता। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जीन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं, तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है, तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है, जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना, समान बनेना तो समाप्ति नहीं है, भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए, इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संग न को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावें, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रसम रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूजन ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे।
कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं, तो यह रिजल्ट देखिए कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रसम मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं हैं। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते, वह भी विशेष रतन देखे। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकों का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया अर्थात रचना रची, तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न परतों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेरका समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है, इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बढ़नी ही है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा।
तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है, जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट में आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती हैं। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हों या कितने भी हों, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना, इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है। 1-2 के योगी नहीं बनना, 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी को यह खुशी है न कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है, सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में हैं। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो, खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुँचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पापदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं।
जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पगुना बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा अर्थात बाप को दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतो हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो दो चार बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन माला माल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं उन्हों की आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाएं। और फिर 5 वर्ष बाप दादा न आवे यह मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम जरूर हों। सिर्फ फंक्शन में जाए भाग दौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्कर का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को खत्म करना है। अच्छा वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके,
क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। श्लोगन, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।